4.5 लाख रुद्रमाला के और 4.5 लाख विजयमाला के चंद्रवंशी, उनका नंबर वार पेयर बनता है। संगमयुग में भी बनता है और सतयुग में भी बनता है। तो जो संगम युग के हैं वो तो नर नारायण हो गए, और जो सतयुग में होंगे वो उनके बच्चे हो गए बाद वाले। पहले कौन सी आत्माएं उतरेंगी? पहले माँ बाप की आत्माएं उतरेंगी या बच्चों की आत्माएं उतरेंगी? माँ बाप की उतरेंगी। इनका कहने का भाव ये कि जब कृष्ण बच्चा 9 महीने के बाद जन्म लेगा, 9 महीने तो आप लगा रहे हैं। बाबा क्या हिसाब होता है वहाँ? जैसे यहाँ 9 महीने बोलते हैं वहाँ क्या हिसाब रहता है? यहाँ तो दुखदाई दुनिया है, आदि से ही दुख शुरू होता है और अंत तक दुख रहता है। वहाँ आदि में भी दुख नहीं और अंत में भी दुख नहीं। बच्चा पैदा होगा उस समय भी कोई दुख नहीं, माँ को भी दुख नहीं और बच्चा रोता हुआ पैदा होगा। पहला प्रश्न है कि जब कृष्ण जन्म लेगा उस बच्चे के रूप में, उस समय कितनी आत्माएं आती हैं? राधा और कृष्ण वाली जो आत्माएं हैं वो कौन से वंश की आत्माएं हैं? चंद्रवंश की आत्माएं हैं। और वो चंद्रवंश की आत्माएं किस कैटेगरी की हैं? वो चंद्रवंशी आत्माएं लक्ष्मी जैसी कैटेगरी की चंद्रवंशी हैं या उनसे नीची कैटेगरी की हैं? हैं? लक्ष्मी से नीची है। लक्ष्मी से नीची कैटेगरी की हैं। तो बाद में आएंगे या पहले आ जाएंगे? थोड़ा टाइम क्या गैप रहेगा या नहीं रहेगा कि 36 खत्म हुआ और राधा कृष्ण पैदा हो जाएंगे? कृष्ण जब धरा पे आए, मतलब जब जन्म लेंगे तो कितनी बातें होती होगी? सीधी सी बात, पहले पहले कौन सी आत्माएं आती हैं? सूर्यवंशी आती हैं, बाद में चंद्रवंशी आती हैं। उनका क्रम होगा, बाद में इस्लाम वंशी, उसके बाद में बौद्ध वंशी। बीज रूप आत्मा में ही क्रम बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं। हर धर्म के बीज हैं। बाबा जैसे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आ गए, 200 और 210 सूर्यवंशी चंद्रवंशी वो आ गए पहले, जिन चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों में मिलकर के अपने को सरेंडर कर दिया संगम युग में, वो पहले आते हैं। वो पहले आते हैं। हाँ जी, तो उसके बाद से 100 के बाद से इस्लामी आएंगे? बिल्कुल आएंगे बाद में। बाद में तो कम से कम 100-150 वर्ष का वेट होगा। कोई 150 वर्ष, 150 वर्ष के अंदर वो आत्माएं आएंगी जो कृष्ण के साथ वाली सारी आत्माएं उतर जाएंगी। उसके बाद जब दूसरी डायनेस्टी शुरू होगी नारायण की, सेकंड नारायण की, उस दूसरी डायनेस्टी में इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्माएं नीचे उतरेंगी। 150 साल में 9 लाख आत्माएं नीचे उतर आएंगी, वो सब सूर्यवंशी हैं। कहने का भाव ये है कि बाबा पहले सूर्यवंशी जन्म ले लेंगे, जन्म बिल्कुल बीच में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? 85 साल का होगा, 85 साल। अब ये तुम गुंताड़ा बढ़ाते रहो, अनुमान से काम नहीं होगा। अनुमान से नुकसान होता है। हाँ, मुरली में कोई पॉइंट मिले तो बात पक्की मानी जाएगी। बाबा मुरली में कहा है बाप को और बच्चे को याद करो, बाप तो हमें समझ आता है, बच्चा नहीं समझ आता। क्यों? बाप में बरसा नहीं समाया हुआ है? बाप और बच्चे को याद करो, दो चीज़। तो बाप में बरसा समाया हुआ है या नहीं समाया हुआ है? बस हो गया, वही हमारा बरसा है, वही हमारा बाप है। स्वर्ग को याद करो, बाप को याद करो, अपने घर को याद करो,
तो ये तीनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? एक ही कैसे हैं? वो ही हमारा बाप है, वो बाप में ही शिव प्रवेश है, वो हमारा घर भी हो गया। अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो बाबा के नजदीक आते हैं तो सब भूल जाते हैं। जैसे परमधाम में निराकारी स्टेज हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता है, ऐसी स्टेज बन जाती है। तो बाप में घर समाया हुआ है या नहीं है? बाप से मिलने पर खुशी होती है, सुख में आत्मा आप्लावित हो जाती है। तो बाप में सुखधाम है या नहीं है? वो स्वर्ग का वर्षा भी है। तो ऐसे नहीं है कि बाप ये कहते हैं बेबिचारी याद करो, कि बाप अलग है, स्वर्ग अलग है और घर अलग है। नहीं, बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है। ओहो, शांति धाम में आत्मा शांत स्वरूप में रहे, सुख अनुभव न करे। देह के द्वारा सुख मिलते हैं और सुखधाम यमुना के कंठे पर होगा या माउंट आबू में होगा? तो यमुना का कंठा कहाँ प्रसिद्ध है? दिल्ली, दिल्ली राजधानी है। राजधानी की स्थापना अलग और वो अलग आत्माओं का ग्रुप होगा। दिल्ली की तो बात ही नहीं की। हाँ, और उसने लव किया तो राधा के साथ, शादी रुक्मिणी के साथ की। शादी रुक्मिणी के साथ की? शादी नहीं, शादी रुक्मिणी के साथ की। शादी नहीं होती राधा कृष्ण की। सत्युग में कोई साधमाना नहीं मनाया जाता। जो भी साधमाना वगैरह मनाने की बातें शास्त्रों में है वो कौन से युग की है? संगम युग की यादगार है। सत्युग में वहाँ कोई शादी आदि की बात नहीं है। साथ ही साथ तो पैदा हुए, साथ ही साथ जिंदगी भर रहना है, काहे का साधमान। ये जो पट्ट रानियां होती हैं वो कौन से धर्म से कनेक्टेड है? दूसरे दूसरे धर्म से कनेक्टेड है। आठ दूसरे दूसरे धर्म है, तो दूसरे दूसरे धर्मों से कनेक्टेड आठ पटरानियां हैं। महारानी उनमें एक भी नहीं है। महारानी कौन? राधा महारानी है। और जो बड़ा है, ऊंच पद वाला है, वो पहले प्रत्यक्ष होता है या बाद में प्रत्यक्ष होता है? है? बाद में आवेगी। वो भारत माता का पार्ट है, बाद में प्रत्यक्ष होता है। पटरानियां पुरुषार्थ ऊंचा करती हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते अंत में पट्ट में जाके गिरती है, तो नाम पटरानियां पड़ जाता है। पटरानियां ही होंगी कि पटराजा भी होंगे? है, पटराजा भी होंगे। और बाबा ने कहा बाल की क्रिया में जो अध में होता है ना, उसी का कहीं ना कहीं हमारे देह की क्रिया में सुख स्वरूप में कुछ ना कुछ होता है। जैसे रामदेव का चल रहा है, ये भ्रष्टाचार हमारे
हमारे तो मिल रहे हैं, हमारे तो यहाँ बेहद में कुछ है। तो तुम्हारे यहाँ अन्ना हजारी नहीं है? हजार भुजाओं वाला ब्रह्मा गाया हुआ है कि नहीं गाया हुआ है? अरे अन्नैया है या नहीं है? अन्नैया किसे कहा जाता है तेलुगु में? बड़े भाई को अन्ना कहते हैं। तो वो अन्ना हजारे भी हैं लौकिक दुनिया में, बाबा रामदेव भी हैं, तो ऐसे ही बेहद की दुनिया में अन्ना हजारे ब्रह्मा बाबा भी हैं और रामदेव भी, वो भी है। ये जो बाहर की दुनिया में चल रहा है, कोई बाबा जो करने के लिए आया, कोई सहयोगी बन सकते हैं? अगर बाहर की दुनिया के ही पार्टधारी भ्रष्टाचार को दूर करें तो फिर बाबा को आने की क्या दरकार? अंदर का पर्दा दूर करेंगे ना। हाँ, जो अंदर 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 ब्राह्मणों की दुनिया में पाठ चलता है, वो बाहर की दुनिया में भी थोड़ा उसका अक्स पड़ता है तो देखने में आता है। और अभी तो ये पूछने वालों का ही तांता लगा हुआ है, लिख लिख के क्या देंगे। उसने गांधारी ने गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि तुम्हारा पूरा कुल विनाश हो जाएगा। लेकिन फिर आगे जैसे कृष्ण लीला में दिखाया जाता है, कृष्ण लीला में दिखाया जाता है उनका बेटा प्रद्युम्न था, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध था, तो विनाश तो नहीं होगा? विनाश नहीं हुआ, द्वापर युग में सब खलास नहीं हो गए? सभी तो खलास हो गए। याद में बैठते हैं बाबा को, सकार को निराकार याद में बैठते हैं, एक दो मिनट याद में रहते हैं, उसके बाद नींद बढ़ जाती है, उसका क्या? नींद आ जाती है? नहीं नहीं, नींद आगे पीछे बुद्धि बुद्धि इधर उधर हो जाती है। हाँ, तो बुद्धि जिधर हो जाती है वो पोता मेल तो निकाल सकते हैं। वो पोता मेल निकाल के देखो बुद्धि कहाँ गई और कहाँ बुद्धि बार बार जाती है। जहाँ बुद्धि बार बार जाती है तो 63 जन्मों का हिसाब उन्हीं के साथ है, बाबा को छोड़ करके और उनके साथ बुद्धियों को जोड़ा है, तो वो हिसाब लेने आ जाते हैं। नहीं देंगे हिसाब? है हिसाब देना पड़ता है। ओम है खड़ाऊ पहनते थे पहले तो बोलते हैं, तो खड़ाऊ शब्द का क्या मतलब है? खड़ाऊ को मतलब खड़े रहो। है पार्वती माता जब नंदी को मारते थे ना तारकासुरा, टीवी में देखा? हाँ जी महादेव, टीवी में देखा। पांच से तीन बार उठ के जाती है महादेव जी, आवाज लगाते हैं, तो फिर माता तीसरी बार में उड़ के आती है, तो कहते जो मैंने पहले समझाया था वो बात आपने नहीं की, तो वो आप बताओ क्या पांचवी मार कैसे उठी, तीन बार क्यों उठ के गई थी? तीन बार उठ के गई? हाँ, आवाज लगाई थी, पीछे उठ के देखा पास चली गई, आवाज लगाती है तीसरी बार में फिर आती है। फिर अपनी कथा बताती है, आपने मैंने जो कहा था वो क्यों नहीं किया? तो ब्रह्मा बाबा के समय में जो पार्ट चला उस समय पार्वती थी या नहीं थी? है एक बार आई कि नहीं आई? फिर रुद्रमाला का पार्ट चलता है, तो रुद्रमाला में भी वो पार्टधारी अपना पार्ट बजा रहा है या नहीं बजा रहा है? बुद्धि में आया कि नहीं? अब उसके बाद अब वो आत्मा प्रत्यक्ष होने वाली है या नहीं है? तो तीन बार आ गई। ओम शांति। बस बस है जो भी राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं बाबा से, वो सारे ही उस लिस्ट में आते हैं, राज परिवार की लिस्ट में आते हैं। पहले राजाएं सतोप्रधान बनेंगे या प्रजा सतोप्रधान बन जाएगी? तो 2028 तक 50 वर्ष पूरे होते हैं,
वो 16108 राज परिवार के भांति तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। फिर उनके पीछे पीछे लगे रहने वाले, जैसे कोई राजा होता है, उस राजा के राज्य में ढेर सारी प्रजा है, तो क्या जो ढेर सारी प्रजा होती है वो सब राजा के ही भगत होते हैं या कोई कोई रानी के भी भगत बन जाते हैं या कोई राजा का जो बड़ा बच्चा है युवराज उसके भी भगत बन जाते हैं या छोटा बड़ा राजकुमार है उनके भी भगत होते हैं या नहीं होते हैं। तो 2028 तक जो 16108 की संख्या पूरी होती है फिर नंबरवार उनके फॉलोअर्स अर्थात प्रजावर्ग की आत्माओं का भी पुरुषार्थ पूरा होना शुरू होता है। तो 2028 से लेकर के 10 वर्ष तक 2037 तक पूरी राजधानी तैयार हो जाएगी। पूरी राजधानी तैयार होगी तो पूरा विनाश भी हो जाएगा। ये स्थापना और विनाश का कनेक्शन जुटा हुआ है। जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी उतना ही विनाश होता जाएगा। करना क्या है? राजधानी स्थापन करने में सहयोगी बनना है या विनाश करने में सहयोगी बनना है? स्थापना करने में सहयोगी बनना है। हाँ जी, रास्ता में गिरा हुआ रुपया पैसा मोबाइल फोन में यूज करना है अथवा यज्ञ में दे देना है या देखते हुए भी नहीं उठाना है, इस संबंध में मुरली में बाबा का कोई डायरेक्शन है? है या नहीं है? क्या है? नहीं, रुपया गिरा हुआ है बाथरूम में, ट्रेन में चल रहे हैं और हमने उठा लिया 100 का नोट ले आई, बाद में जिसका गिरा हुआ है वो खोजने पहुंचा उसको मिला ही नहीं, तो उठाने वाले का पाप बनेगा कि नहीं बनेगा? और वो पाप का पैसा यज्ञ में जाएगा तो पाप की दुनिया बनाएगा या पुण्य की दुनिया बनाएगा? पाप की दुनिया बनेगी। इसलिए बाबा की मुरली के अनुसार कोई की गिरी हुई चीज उठाना ही नहीं है। क्या पता जिसकी चीज गिर गई है वो वापस आ रहा हो ढूंढता हुआ कहां गिर गया। अगर आपका गिर जाए 500 का नोट, हरा 1000 का नोट, तो आप क्या चाहेंगे? कोई उठा ले जाए? क्या चाहेंगे? कोई उठा ले जाए या मिल जाए आपको? हमको ढूंढने से शायद मिल जाए। तो बाबा के डायरेक्शन के अनुसार न खुद यूज करना है गिरी हुई चीज, न यज्ञ में देना है। क्या करना है? गिरी हुई चीज को उठाना ही नहीं है, पड़ी रहने दो। ये मेहनत की कमाई नहीं है। कौन सी कमाई काम आवेगी?
जो मेहनत की कमाई है वो ही काम आवेगी, बाकी जो मेहनत नहीं करते हैं, रिश्वत लेकर के बैंक भर रहे हैं, एक दिन ऐसा आवेगा करेंसी फेल हो जाएगी। बैंकें बंद हो जाएंगी या बीमा कंपनियां फेल हो जाएंगी। तो फिर जिन्होंने इकट्ठा किया है सारी जिंदगी पाप की कमाई, गरीबों से ले लेकर के उनका खून किया है, तो उनका हार्ट फेल होगा या नहीं होगा? हार्ट फेल होने लगेंगे, और ढेर के हार्ट फेल होने वाले हैं। इसलिए मेहनत की कमाई ही काम आना चाहिए और काम में लेना चाहिए। मुफ्त की कमाई के ऊपर नजर जाना ठीक नहीं। और एक अगर कोई जुटाता है तो वो दो आत्माओं के अंदर दूसरे जन्म का कनेक्शन तो होगा ना, हैं? क्यों मिलता है किसी को जो मिलता है दूसरे को तो मिल गया? हाँ, दे दिया। हाँ, तो वो आत्मा के साथ पिछले जन्म का या कुछ संबंध होगा? अपना भाव देखो, अपना भाव क्या है? अपना भाव मुफ्त का लेने का है या नहीं है? मुफ्त का चंदन घिस मेरे लल्लू, और उसका पाप बनेगा। हाँ, है अभी तक लिया है तो भुगतना पड़ेगा। हाँ, पोता मिल दो लिख करके, आधा माफ हो जाएगा, आधा याद से खत्म हो जाएगा। और रिलेशन में वोट देने के लिए पैसा देते हैं ना, वो लेना है? जो प्रजातंत्र राज्य है उसमें वोट दिए जाते हैं। बाबा ने प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बेकायदे बताया या कायदे का बताया, तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई। अरे, ब्रह्मा के वाक्य झूठे हो सकते हैं क्या? ब्रह्मा के मुख से जो वाक्य निकले हैं उनके बारे में तो पूछना ही बेकार। और आज में गीता माता का पाठ चला, उसके बाद और दो जन्म हुआ, तो आज की गीता माता का जन्म 82वां अथवा 83वां कहा जाए या 84वां कहा जाए? अरे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म तो अभी होता है 76 के बाद। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म होता है वो 84वां जन्म भी होता है और 21 जन्मों में से पहला जन्म भी है। तो क्या साबित हुआ? पहले के दो जन्म हैं वो 82वां 83वां कहें या 84वां कहें? 82-83वां हुआ। ये भी कह कोई तो ब्राह्मण है इसको जन्म। हाँ, कोई कोई ब्राह्मण के दो तीन जन्म भी होते हैं। हाँ, तो 16 जन्म के बाद जब
ब्राह्मण बनते हैं ना। हाँ तो क्या आदि में ब्राह्मण बने? आदि में ब्राह्मण बने? अरे बाप को पहचानेंगे तब सच्चे ब्राह्मण बनेंगे कि बिना पहचाने ही सच्चे ब्राह्मण बन जाएंगे? तो फिर आजकल सम्मोहन विद्या से पिछले जन्मों की हिस्ट्री बताते हैं। क्या ये हिस्ट्री सच है? अगर सम्मोहन विद्या से पिछले जन्मों की हिस्ट्री का पता चल सकता है तो 84 जन्मों की हिस्ट्री का पता नहीं चल सकता है? फिर तो भगवान के आने की दरकार है। योग माया का मतलब क्या है और ये किसका पार्ट है? अरे नाम ही क्या दिया, माया कैसी जो योग लगाने वाली है। पावरफुल आत्मा है या कोई से कमजोर आत्मा है? पावरफुल आत्मा है, इसलिए माया को सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है। और किसी आत्मा को सर्वशक्तिवान का टाइटल नहीं मिला है। भगवान भी सर्वशक्तिवान और माया भी सर्वशक्तिवान। आधा टाइम भगवान का राज्य चलता और आधा टाइम माया का राज्य चलता। ज्योतिष गणित है, गणित का टीचर जितना होशियार होगा उतना सच्चा गणित निकालेगा। होशियार नहीं होगा तो गणित झूठा हो जाएगा। ऐसे ही ज्योतिष विद्या में बल वशिष्ठ जी महाराज क्यों न हो, उनकी भी गणना में गलती हो गई। राम की शादी कराई और फिर क्या हो गया, रिजल्ट वनवास मिल गया। तो ज्योतिष की गणना जो सप्तऋषियों में सबसे ऊंचे ऋषि वशिष्ठ माने जाते हैं उनकी ही फेल हो गई, तो कौन से ज्योतिषी की रचना गणना सच्ची साबित होगी? एक बाप की गणना सच्ची है, किस दुनिया का विनाश होने वाला है। कोई भी वास्तुकला का कितना भी प्रकांड विद्वान हो, बड़े से बड़े विद्वान हो, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कलाने कराने वाले क्यों न हो, जो एटमिक विनाश फाइनल होने वाला है उससे कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा, वो सब झूठे साबित हो रहे हैं। क्योंकि मनुष्यों की बनाई हुई कलाएं हैं, मनुष्यों के बनाए हुए सब्जेक्ट्स हैं।
भगवान बच्चों को जो सब्जेक्ट सिखाता है वो ही सच्चे हैं। जैसे भगवान प्रवृत्ति मार्ग में आता है, परंतु भगवान का प्रवृत्ति मार्ग पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, वैसे माया भी प्रवृत्ति मार्ग वाली है, लेकिन उसका मार्ग माया का मार्ग पवित्र है, अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, व्यभिचारी है, ये अंतर है। ओम शांति। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। भगवान भक्ति मार्ग में नाम को महत्व देते हैं, लेकिन भक्त जानते नहीं है नाम कब होता है, नाम किसी का बाला किस आधार पर होता है, कोई काम किया है जिस आधार पर नाम बाला होता है, ये बात भूल जाते हैं। तो जीने का सहारा शिव बाबा का काम है या शिव बाबा का नाम है? है हाँ, शिव बाबा आके स्वर्ग की स्थापना करता है, जो काम दुनिया में कोई नहीं करता है। शिव बाबा ही हर मनुष्य मात्र की गति सदगति करता है, जो कोई भी मनुष्य मात्र धर्मगुरु गति सदगति नहीं कर सकता। तो शिव बाबा ऐसा काम करता है, वो काम याद रहना चाहिए, जो करता है उसका रूप याद रहना चाहिए, उस रूप के अंदर जो करने वाली आत्मा है वो आत्मा याद रहनी चाहिए कि नाम याद रहना चाहिए? आत्मा याद रहनी चाहिए कि राम की आत्मा को याद करेंगे, है कि कृष्ण की आत्मा को चंद्रमा के रूप में याद करेंगे? शिव बाबा को याद करना ना, हमें चंद्रमा को याद करना है न राम की आत्मा को याद करना है। वो साकार रूप में काम करने वाला कौन है? स्वर्ग स्थापन करने वाला कौन है? शिव बाबा है। और राम अगर स्वर्ग स्थापन करने वाला होता तो 63 जन्म में राम था या नहीं था? वो था। नर्क बनाया कि स्वर्ग बनाया? नर्क बनाया। नर्क बनाया। और एक खंड पॉइंट है, मुख्य है शिव बाबा फिर ब्रह्मा सरस्वती युवक। हम ब्रह्मा सरस्वती को क्यों युगल कहते हैं? ब्रह्मा सरस्वती को क्यों युगल कहते हैं? लिखा है खंड पॉइंट है, मुख्य है शिव बाबा फिर मुख्य है शिव बाबा फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल। तो कौन ब्रह्मा सरस्वती बेटी है? तो कौन से ब्रह्मा सरस्वती? भावा ने जो बोला है वो कौन से ब्रह्मा सरस्वती के लिए बोला है? अब्बल नंबर के ब्रह्मा सरस्वती के लिए बोला है या द्वयम टाइम नंबर के ब्रह्मा सरस्वती के लिए बोला है? कौन है वो? प्रजापिता। वो ब्रह्मा, वो तो अब्बल नंबर का ब्रह्मा हो गया, और उसकी बेटी कौन हुई? जगदम्बा बेटी हुई। हाँ, जगदम्बा जो सरस्वती ओम राधे है, या ये जगदम्बा है जो बाद में प्रसिद्ध होती है, और ओम राधे दादा लेखराज की बच्ची है या प्रजापिता की बच्ची है? लेखराज प्रजापिता की बच्ची, प्रजापिता की बच्ची है, लेकिन किसके द्वारा? लेखराज, दादा लेखराज के द्वारा। और सनातन का अर्थ क्या है? सनातन माने पुराना। बाबा सरस्वती का अर्थ क्या है? सरस्वती
क्या अर्थ है? क्या सरस? सरस माने मीठी, रस सहित, अवती माने वाली, धन वाली, दिल वाली, ऐसे ही सरस वाली, सरस्वती, धनवती, ज्ञानवती, रूपवती, मन रूप वाली, ऐसे ही सरस वाली। रस सहित है जो, कौन सा रस है? ज्ञान का रस है। और देर तो नहीं हो रही है बाबा की? विश्वराजाई कब तक चलेंगे? विश्व की बादशाही कब तक चलेगी? विश्व की राजाई, विश्व की बादशाही अभी शुरू ही नहीं हुई है, चलेगी कहाँ से है? अभी रावण राज्य है या राम राज्य है? फिर रावण राज्य में विश्व का बादशाह कोई हो ही नहीं सकता। लून पानी बनना इसका है? लून पानी बनना पानी जल को कहा जाता है। क्या पानी माने जल, और उसमें नमक मिला दो तो खारा पानी हो जाएगा या मीठा पानी होगा? पीने योग्य खारा पानी हो जाएगा, पीने योग्य है ही नहीं। बाबा कहते हैं कि जितने भी 500 करोड़ आत्मा भी देवता शरीर से ही आकर निकलेगी, मतलब उनका पहला जन्म देवता धर्म में होगा। देवता 500 करोड़ आत्मा होगा, पहला जन्म देवता होगा। द्वापर के बाद जो निकलते, द्वापर के बाद कहीं देवता होते हैं? नहीं नहीं, वो जो शरीर में आते हैं ना पहला जन्म, हाँ, जीवन मुक्ति का, वो तो प्रवेशता जन्म। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं चाहे किसी भी धर्म की हो, वो देवता धर्म की आत्माओं में ही प्रवेश करती हैं। हाँ, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो जितना पुराना होगा वो अंतिम जन्म में कमजोर बन जाएगा। पुराना कमजोर बनता है या नया कमजोर बनता है? पुराना कमजोर बनता है। जो देवता धर्म की आत्माएं हैं वो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, ज्यादा जन्म लेने वाली आत्मा है। अब वो चाहे संपूर्ण देवता हो या सेमी देवता हो, उनमें 500 करोड़ जो भी दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, सशक्त आत्माएं ऊपर से आती हैं तो कमजोर आत्मा में प्रवेश कर। अभी भी भूत प्रेत किस में प्रवेश करते हैं? कमजोर में प्रवेश करते हैं। साफ दिल मुरादा, साफ दिल माने सच्चा, जिसमें सफाई भरी हुई हो उसे साफ कहेंगे, और जिसमें गंदगी भरी हुई हो उसे साफ कहेंगे है? जिसमें कीचड़ हो, धूल हो, मिट्टी हो, देह अभिमानी की मिट्टी है या देह अभिमानी की धूल है और उसमें पानी मिल गया तो कीचड़ हो गया, वो अच्छा है या साफ सुथरा अच्छा है? साफ सुथरा। तो जो अपना पोता मेल पूरा देते हैं उनको कहेंगे साफ सुथरा। मुराद हसन माने जो दिल के अंदर इच्छा है वो इच्छा पूरी हो जाएगी साफ दिल वालों की। यू ना, आपने दिल की सफाई ही नहीं की, पूरा पोता मिल ही नहीं दिया, उनको मुराद कहाँ से हासिल हो जाएगी? सच्चे दिल पर साहब राजी, वही साफ दिल तो मुराद हासिल। हाँ बोल 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 बाबा, एक मुरी
हो रहा है। क्या क्या बोला है? उनके चित्र देखने के लिए लौटा भी था है? बाबा एक मुरली में बोला है लक्ष्मी नारायण के चित्र देखने के लिए रोता भी था, इसका अर्थ क्या? ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा का लक्ष्मी नारायण से इतना लगाव था कि उनके चित्र को देख करके रोता था। भक्ति मार्ग की बात बताई, ये रोने करने की शूटिंग संगम युग में की होगी या नहीं की होगी है? कब? यज्ञ के आदि में की होगी कि अंत में की होगी? अंत में भी माने आदि में भी की थी। आदि में तो लक्ष्मी नारायण कौन है वो जानता ही नहीं था। अंत में तो रहेगा ना। हाँ, अंत में जब पहचानेगा कि ये लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, तब अंदर से वो आएगा कि ये हमारे माँ बाप हैं, सत्युग में ही हमारे माँ बाप बनेंगे, हम इनके बच्चे बनेंगे। भक्ति मार्ग वाले सन्यासी लोग गंगा बचाओ अभियान कर रहे हैं, तो ये बेहद नहीं कर रहे। माने गंगा पतित बन रही है अभी क्या? दूसरे दूसरे जो धर्म वाले हैं उनके संसर्ग संपर्क में आ रही है, गंगा को किसके संपर्क में आना चाहिए जो पवित्र बने है? गंगा को संपूर्ण चित्र दिखाते हैं, वो शंकर के मस्तक में दिखाते हैं, सिर पर दिखाते हैं, तो जहां होना चाहिए वहां पहुंचना चाहिए। गंगा को नीचे जाना चाहिए या मस्तक पर पहुंचना चाहिए? हाँ, तो मस्तक पर तो तब पहुंचेगी जब बाप की सर्विस करेगी, बाप के सेवाधारी बाप के दिल पर चढ़ेंगे, या जो सेवा ही नहीं करते हैं और ही डिससर्विस कर रहे हैं वो दिल पर चढ़ेंगे है? सेवा करेंगे वो दिल पर चढ़ेंगे। माने गंगा अभी डिससर्विस कर रही है, अब व्यक्तवाणी में क्या बोला, मुरली में क्या बोला इस बारे में, नदियों के बारे में? नदी नहीं, नाला है। नदी का सागर से कनेक्शन नहीं है, संबंध जुटा हुआ नहीं है, तो नदी नहीं है वो नाला है। जैसे नाला में जात जाति की गंध फेंकी जाती है, ऐसे वो नदी राम तेरी गंगा मैली वो पार्ट बन जाती है। राम वनवास करते समय भरत ने उनकी पादुक देखकर जज कराया, ऐसा होता है क्या है? राम वनवास करते समय भरत ने उनकी पादुक देखकर जज कराया। भगवान के पांव की सुरक्षा करने वाली कौन होती है? पादुका। पांव की सुरक्षा पादुका करती है, जूती कहते हैं, जूती पांव की सुरक्षा करती है। भारतवासियों में क्या प्रचलन है, एक जूती गई तो दूसरी ले लेते हैं, दूसरी गई तीसरी लेते, चार चार शादियां भी कर लेते हैं, ऐसे बोला मुरली। किसको फॉलो किया भारतवासियों ने है? हाँ, राम वाली आत्मा संगम युग में जिसमें शिव बाबा मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, वो चार चार आत्माएं संसर्ग संपर्क संबंध में आती हैं। क्या? कभी लक्ष्मी, कभी जगदम्बा, कभी गंगा, कभी यमुना। इसलिए पादुका उन्होंने सर के ऊपर रख ली। मैंने देवियों की पूजा की या भगवान की पूजा की है? जूतियों की पूजा की।
तो भरत कौन से धर्म का होगा? जहां से भक्ति मार्ग शुरू होता है उसी धर्म का होगा। भक्ति मार्ग कहां से शुरू होता है? है द्वापर युग से कौन सा धर्म होता है? इस्लाम धर्म का बीज होगा। इस्लाम धर्म का बीज होगा तो पादुका की पूजा करेगा या भगवान की पूजा करेगा? भगवान को पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा? पादुका को पकड़ता है। ओम शांति। चलो वार्तालाप के टाइम पे खांसी नहीं आई, मुरली के टाइम पे खांसी की टपक पड़ी। ईश्वरीय ज्ञान से 84 जन्म क्लियर होंगे या आसुरी ज्ञान से 84 जन्म क्लियर होंगे? ईश्वर का ज्ञान आत्मा रूपी रिकॉर्ड के अंदर जो भी विस्तार भरा हुआ है वो सारा क्लियर करेगा। और आसुरी ज्ञान आत्मा रूपी रिकॉर्ड के अंदर जो भी जन्म जन्मांतर का पार्ट भरा हुआ है उसे दबा देगा। ये खासियत है ईश्वरीय ज्ञान और आसुरी ज्ञान की। ईश्वर का ज्ञान रचयिता और रचना के ज्ञान को खोल देता है और जो मनुष्यों का ज्ञान है वो दबा देता है। अपनी आत्मा के 84 जन्मों को जानना चाहिए या विसारना चाहिए? जानना चाहिए। वो किसकी याद से होगा? एक की याद से होगा या अनेकों की याद से होगा? एक की याद से होगा। रावण के 5 विकार रूपी जो पुरुष मुख दिखाया है उसमें एक बीच का मुख बड़ा दिखाया है, तो ये किस विकार का प्रतीक है और बड़ा क्यों दिखाया है? किस विकार का प्रतीक है और इसको बड़ा क्यों मुख दिखाया अन्य मुखों की तुलना में? जो रावण के 5 मुख हैं वो विदेशी धर्मों की स्थापना करने वाले हैं या स्वदेशी धर्मों की स्थापना करने वाले हैं? इस्लामी, क्रिश्चियंस, मुस्लिम और नास्तिक, ये विदेशी धर्म हैं। रावण विदेशी है या स्वदेशी है? है? रावण विदेशी है और पांडव स्वदेशी है। जिन्हें राम संप्रदाय कहा जाता है तो रावण के जो 5 मुख दिखाए गए हैं वो विदेशी बुद्धिवादी हैं या भावनावादी हैं? है बुद्धिवादी हैं। और भगवान को बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है, तो वो विदेशी अपन को भगवान समझ करके बैठते हैं कि हम बड़े बुद्धिवादी हैं। वास्तव में वो बड़े सिर नहीं है, उनका भी कोई बाप है
बापों का भी बाप कहा जाता है। वो कौन है? है शिव बाबा है बापों का भी बाप। सब बुद्धिमानों की बुद्धि है। जब वो बाप आता है तो विदेशियों का भंडाफोड़ हो जाता है, पांडवों की जीत कराता है। विदेशी आत्माएं और उनके धर्म पिताएं रावण जैसे असुर साबित हो जाते हैं। भारत में भगवान आते हैं तो भारतवासी पांडवों को देवता बनाते हैं। तो रावण के जो पांच सिर हैं वो कौन कौन से पांच सिर हैं? इब्राहिम इस्लामी और क्राइस्ट के क्रिश्चियंस और मोहम्मद के मुस्लिम, कितने हुए? तीन। और नास्तिक विदेशी रशियंस, कितने हुए? पांचवा कहां चला गया है? अरे जो पांच मुख दिखाए जाते हैं उन पांच मुखों में से सबसे बड़े मुख की बात की है या बीच वाले मुख की बात की है? है तो सबसे बड़ा मुख कौन सा है? उसी को पकड़ के पांच मुख बता रहे हैं। किसको पकड़ के? रावण के चित्र में वो बड़े मुख को ही पकड़ के पांच मुख बताया। हाँ तो बड़ा मुख कौन सा हुआ? चित्र है तो चरित्र करने वाला भी कोई होगा या नहीं होगा? है? अरे बोलो ना। बाबा के दरबार में खुल के बोलना चाहिए या डर के बोलना चाहिए? है? खुल के बोलो। पहला मुख कौन सा है? कामी इस्लामी। उससे बड़ा मुख कोई नहीं है। वो देह अभिमान वाला मुख कौन है? जिसकी पूजा ही नहीं होती है, जिसके मंदिर नहीं बनते हैं, जिसकी मूर्तियां भी नहीं बनती हैं, वो पांचों विकारों का मूल है। इसलिए वेदों की ऋचाओं में एक ऋचा आई है, उसमें बोला गया है रावण ओ ब्रह्म। देहधारी गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन? उसकी गोद में सूर्यवंशी पलते हैं। यज्ञ के आदि से ही ब्रह्मा की गोद में सूर्यवंशी पले थे या इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि पले थे? और धर्म की आत्माएं पलती हैं जो रावण संप्रदाय बनती हैं। सूर्यवंशी आत्माएं द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक उन विदेशियों का मुकाबला करते हैं। कभी शिवाजी बन करके, कभी महाराणा प्रताप बन करके, कभी
कभी पृथ्वीराज चौहान बन के मुकाबला करते हैं, विदेशियों का मुकाबला किया या कन्वर्ट हो गए है, मुकाबला किया तो शूटिंग पीरियड में भी क्या देखने में आवेगा है। अरे ब्रॉड ड्रामा में जो ड्रामाबाजी होती है वो ही शूटिंग पीरियड में देखने में आवेगी या कुछ दूसरा देखने में आवेगा, वो ही देखने में आवेगी। और बाबा जो परिष्ठाई आत्मा होती है, जो परिष्ठाई आत्मा होती है वो प्रवेश करके पार्ट क्यों बजाती है और कैसे बजाती है? आठ फरिश्ते गए हुए हैं दूसरे धर्मों में और बाबा भी कहते हैं तुम बच्चे ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हो और फरिश्ता बनने के बाद देवता बनते हो। फरिश्ता उनको कहा जाता है जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं होता, ऐसी फरिश्ताई आत्माएं कमजोर आत्माओं में प्रवेश करेंगी या पावरफुल में प्रवेश करेंगी है? कमजोर आत्माओं में प्रवेश करती है। ये आठ सूर्यवंशी पावरफुल हैं या कमजोर हैं? पावरफुल हैं। वो और धर्म वालों में सभी में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं और उनकी बुद्धि को चेंज करते हैं। इसलिए जो पावरफुल होता है वो ही प्रवेश कर पाता है। अभी भी जो और धर्म की आत्माएं प्रवेश कर रही हैं, वो पावरफुल हैं या कमजोर हैं? है अभी पावरफुल हैं, लेकिन वो भगवान को पहचानती हैं या नहीं पहचानती हैं? नहीं पहचानती हैं। और हम भगवान को पहचानते हैं, बाप को जानते हैं, तो जो पहचानते हैं वो जास्ती याद करेंगे, गहरी याद करेंगे, या जो नहीं पहचानते हैं वो गहरी याद करेंगे? जो पहचानने वाले हैं वो गहरी याद करके आज नहीं तो कल पावरफुल बन जाएंगे। जैसे शंकर में चंद्रमा प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने वाला पावरफुल है या शंकर वाली आत्मा पावरफुल है? है कौन पावरफुल है? शंकर वाली आत्मा इसलिए पावरफुल है कि वो बीज रूप स्टेज में टिकती है और ब्रह्मा की आत्मा बीज रूप स्टेज में टिकने वाली है या सूक्ष्म शरीर के बंधन में है? सूक्ष्म शरीर के बंधन में है। सूक्ष्म शरीर के बंधन में होते हुए भी वो राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है, तो राम वाली आत्मा कमजोर साबित हुई या पावरफुल साबित हुई? है कमजोर साबित हुई। क्यों? तब तक कमजोर रहेगी जब तक निरंतर याद की स्टेज में नहीं पहुंचेगी। जब निरंतर याद की बीज रूप स्टेज हो जाएगी तो शंकर बैल के ऊपर सवारी करेगा या बैल शंकर के ऊपर सवारी करेगा? है
शंकर बैल के ऊपर सवारी करेगा। ये राज है। तो पक्का फरिश्ता बनना है। और जीके वाले रक्षाबंधन का बहुत बड़ा प्रभाव मानते हैं, इसका लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना। ओम शांति।